आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंड्स अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुने फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नंबर वन अगर आपकी रसोई में चींटी और कॉकरोच रहते हैं तो इसका कारण साफ़ सफाई की कमी हो सकती है इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फल या सब्जी काटने के बाद स्लैब को गीले कपड़े से साफ करें नंबर टू खाने की मेज़ को नमक मिले पानी से साफ करने से मक्खियाँ नहीं आएंगी नंबर थ्री अगर चावल गीले हो गए हैं तो ब्रेड के एक दो पीस चावल के ऊपर रख दें ब्रेड के पीस चावल का एक्स्ट्रा पानी को सोख लेंगे और चावल खिले खिले हो जाएंगे फ्रेंड्स यदि आपके चावल थोड़े से ज़्यादा गीले हो गए हैं खिले खिले नहीं बने हैं तो चावल के ऊपर आप एक से दो ब्रेड रख दीजिए और यह जो ब्रेड रखेंगे आप यह चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सोख लेगा और आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे नंबर फोर सलाद काटते समय हमेशा सब्जियां तिरछी काटें इससे सब्ज़ी में जूस बरकरार रहता है नंबर फाइव पिसे हुए मसाले को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं इससे रंग और टेस्ट अच्छा आता है नंबर सिक्स मेथी के पराठे को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके मिश्रण में थोड़ा सा अमचूर मिला दें फ्रेंड्स यदि आपको मेथी के पराठे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने हैं तो इसका जो मिश्रण होगा आप उसमें अमचूर ज़रूर मिलाइएगा नंबर सेवन डोसे को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके बैटर में चुटकी भर चीनी डालकर अच्छे से मिला दें नंबर एट पनीर पकोड़ा बनाते समय बैटर में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला देने से पनीर पकोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं फ्रेंड्स यदि आप पनीर के पकोड़े बना रहे हैं तो आप उसमें जो ब्रेड होता है उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए यह ब्रेड क्रम्स बन जाएगा आप इसे पनीर के पकोड़े में मिलाइए और आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे नंबर नाइन ढोकले के लिए तड़का लगाते समय राई चटकने के बाद थोड़े से सफ़ेद तिल डालने से ढोकले का स्वाद और बढ़ जाता है नंबर टेन अगर हरी सब्जी मुरझाई हुई लग रही है तो ठंडे पानी में थोड़ा नींबू डालकर मुरझाई सब्जी उसमें रख दें एक घंटे बाद सब्ज़ी फिर से ताज़ा हो जाएगी नंबर इलेवन चावल को हल्दी लगाकर रख देने से कीड़े नहीं लगते हैं फ्रेंड्स चावल को स्टोर कर रहे हैं आप तो आप उसमें हल्दी लगा दीजिए और हल्दी लगे चावलों में कीड़े नहीं लगेंगे नंबर ट्वेल्व गर्म पानी से चेहरे पर भाप लेने से चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं जिससे चेहरे की सारी गंदगी निकल जाती है फ्रेंड्स यदि आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ही वॉच करें तभी पता चलेगा कि वीडियो में है क्या फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स है क्या नंबर थर्टीन छिलके सहित इलायची को आधा जलाकर उसको कपड़े में छानकर उसका चूर्ण घिस घी और गुड़ के साथ खाने से सूखी खांसी दूर हो जाती है नंबर फोर्टीन आम के अचार बनाते समय इसमें इस थोड़ा सा गुड़ डालकर मिलाएं इससे अचार ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा नंबर फिफ्टीन केले का गुच्छा लटका कर रखने से केले पाँच से छः दिन तक ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स यदि आपके केले हैं और उसका गुच्छे को आप ऐसे लटका के रखेंगे तो आपके जो केले हैं वो कम से कम पाँच से दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे नंबर सिक्सटीन अगर हरी चटनी पीसने के बाद फ्रिज में रखने के बाद भी चटनी का रंग काला हो जाता है इसके लिए उसमें दही मिलाएं इससे चटनी का रंग हरा ही रहेगा नंबर सेवनटीन भरवा सब्जी बनाते समय मसाले में थोड़ी सी भुनी मूंगफली का चूरा मिलाने से सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स यदि आप कोई भी भरवा सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें मूंगफली को भून कर उसका चूरा बना लीजिए और उस चूरे को मतलब आप को किसी भी भरभ सब्जी उसके अंदर डालिए इससे आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है नंबर एटीन पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए पनीर तलने के बाद उसे थोड़े देर गर्म पानी में डालकर रखें फिर पानी से निकालकर थोड़ी देर ग्रेवी में पकाएं पनीर की सब्ज़ी स्वादिष्ट और नरम बनेगी नंबर नाइनटीन हल्दी और सेंधा नमक महीन पीस कर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द भी दूर हो जाता है फ्रेंड्स हल्दी और सेंधा नमक को आप महीन पीस लें इसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाइए सुबह शाम मंजन करने से दांतों का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है नंबर ट्वेंटी पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है नंबर ट्वेंटी वन हलवा बनाते समय अगर ज़्यादा चीनी ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें आप मखाने को पीसकर हलवे में मिक्स करने से हलवे का मीठापन कम हो जाएगा फ्रेंड्स यदि आप हलवा बना रहे हैं और उसमें चीनी ज़्यादा पड़ गई है तो उसे कम करने के लिए आप उसमें मखाने को पीस डाल दें और मिक्स कर दें हलवे का जो मीठापन है वो कम हो जाएगा नंबर ट्वेंटी टू अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो जब भी नहाएं तो फौरन नहाने के बाद एक गिलास पानी पिएं इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है नंबर ट्वेंटी थ्री कच्चे अंडे को ठंडे पानी में डालें अगर वे डूब जाते हैं तो वे ताज़े हैं अगर वो तैरते हैं तो उनका इस्तेमाल ना करें फ्रेंड्स ये कच्चे अंडों की पहचान है यदि आप कच्चे अंडों को पानी में डालेंगे यदि वो डूब गए तो वो ताज़े हैं यानी कि वो ठीक हैं अगर वो तैरने लगते हैं तो वो ख़राब हैं आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें नंबर ट्वेंटी फोर अंडे उबालते समय इसमें कुछ नमक डाल दें इससे अंडे आसानी से छिल जाएंगे नंबर ट्वेंटी फाइव स्टोव बैरी में से इसका डंठल निकालने के लिए स्ट्रा को ऊपर से नीचे की तरफ डालें नंबर ट्वेंटी सिक्स कई बार भोजन बनाते समय नमक अधिक मात्रा में सब्जी अथवा रायते में डल जाता है ऐसी स्थिति में नमक ज़्यादा होने पर एक आलू को छील कर उसमें डाल दें अथवा गुथा हुआ आटा हो तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल सकते हैं यानी कि आप छोटे छोटे उसके पेड़े बनाकर कुछ समय आ, कुछ समय तक उन्हें पड़ा रहने दें और जब भी आप उन्हें परोसें परोसते समय आप उन्हें आटे को और आलू को निकाल दें फ्रेंड्स जो आपकी सब्ज़ी में नमक है वो ज़्यादा हो गया है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा यानी कि परफेक्ट हो जाएगा आप उसमें आलू डाल सकते हैं या फिर आप उसमें आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर भी डाल सकते हैं वो एक्स्ट्रा नमक को सोख लेती हैं नंबर ट्वेंटी सेवन दाल की बड़ियों में कई बार कीड़े लगने की संभावना बहुत अधिक होती है दाल की बड़ियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें डीप फ्राई कर लें और बाद में बंद डिब्बे में स्टोर कर लें नंबर ट्वेंटी एट अगर किचन में कॉकरोच हों तो दो चम्मच आटे में दो चम्मच बोरिक एसिड और एक चम्मच चीनी मिलाकर पानी में आटा गूंथ लीजिए और छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाकर जहाँ पर कॉकरोच है वह रख दीजिए आपके जो कॉकरोच हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे नंबर ट्वेंटी नाइन दूध फटने का आवाज़ हो रहा है तो उसमें एक चम्मच पानी और आधा चम्मच खाने का सोडा मिलाकर उबाल दें इससे दूध नहीं फटेगा नंबर थर्टी घर पर देसी घी बनाते समय जरासी तेज आंच होने पर घी जल जाता है घी का घी में कालापन आ जाता है घी का कालापन दूर करने के लिए इसमें ताज़ा आलू का टुकड़ा काट कर डाल दें और घी को गर्म करें इससे घी साफ हो जाए सो so फ्रेंड्स आप जब भी देसी घी बना रहे हैं और आपका थोड़ा सी भी गलती से यदि घी जल जाता है या थोड़ी भी तेज आंच होने पर घी जल जाता है काला पड़ जाता है तो आप उसमें कच्चा आलू का टुकड़ा डाल दीजिए और एक बार घी को फिर से गर्म कीजिए आपका घी साफ़ हो जाएगा नंबर थर्टी वन गैस बर्नर साफ़ करने के लिए एक बाउल में बर्नर रखें और एक कप गर्म कप पानी डालें साथ में आधा नींबू का रस और इनो का एक पैकेट धीरे धीरे करके डालें दो घंटे के लिए छोड़ दें इनो डालने का जो रिएक्शन होगा उससे आपके गैस बर्नर बिल्कुल साफ हो जाएंगे दो घंटे बाद आपको फ़र्क दिखेगा सारी मैल जंग कालापन निकल गया होगा अब बर्नर को स्क्रबर से रगड़ कर साफ कर लें ये बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा सो so फ्रेंड्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के टिप्स आप इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और फॉलो करने के बाद अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट्स में आके जरूर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको पूरी तो ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हुई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स आपका एक लाइक एक कॉमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी थैंक्स फॉर